Hello everyone, very warm welcome. Hello everyone, this is Priyanka and welcome you all on English Zone. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड स्पेशल वीडियो जिसमें जॉन मिल्टन से रिलेटेड एक्सपेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ लिटरेचर के साथ इस वीडियो में आपको ग्रामर का भी सेक्शन मिलेगा. कुछ हम ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन वीडियो के एंड में देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ में, इस चैनल के साथ में, और जल्दी से फ्रेंड शेयर कर दीजिए क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन हमारा. जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्टन इज सेट टू बी, क्या कहा जाता है मिल्टन को. ऑप्शंस हैं द फर्स्ट एलिजाबेथिन, द सेकंड एलिजाबेथिन, अ बिलेटेड एलिजाबेथिन, या नन ऑफ दीज. ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए आप सभी, और क्वेश्चंस हम जल्दी से यहाँ पे पढ़ेंगे और जल्दी से इसके आंसर का को करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी. सो द करेक्ट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन सी. मिल्टन इज सेड टू बी अ बिलेटेड एलिजाबेथन, ही वाज अ पोएट, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट उनको रिगार्ड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम डील्स विद सैटर्न्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डनेस. इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. ऑप्शंस हैं पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज लॉस, लिसीडास, या नन ऑफ दीज. एंड जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसमें सैटर्न के टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड वाइल्डनेस को डील विथ किया जाता है जिस बुक में, उस बुक का नेम है पैराडाइज रीगेन, जो कि 1671 में पब्लिश हुआ है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ साथ आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए. और पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो फर्स्ट बुक 10 जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था 10 बुक्स के साथ में 1667 में पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट वन वी हैव ग्रेट प्लेग अकर्ड इन, किस टाइम ड्यूरेशन पे ग्रेट प्लेग हुआ था इंग्लैंड में, आपको इसका आंसर देना है और वो टाइम ड्यूरेशन जॉन मिल्टन का था. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1665 में ग्रेट प्लेग इंग्लैंड में हुआ था लंदन में. नंबर फोर क्वेश्चन वी हैव बिकॉज मिल्टन ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, whose comment is this? किसका comment ये है? Compton Rickett, Locke, Albert या Hudson का? And जो correct answer है option B हमारा correct answer है. This is W.H. Long का ये correct quotation है, जो कि Milton से related उन्होंने ये lines quote की हुई हैं. Number five question we have: At what age did Milton became blind? किस time duration में, किस age में वो Milton को completely blindness हो गया था? And we have the correct answer option A है. At the age of 44, और जो time duration था 44 का, उसकी बात करें तो 1652 में ये completely blind हुए थे. ये time duration आप जरूर note down कर लीजिए क्योंकि कभी कभी year भी आपसे exam में पूछा जा सकता है. तो year का मैंने आपको यहाँ पे explain कर दिया, 1652 में वो he became completely blind. और उस time पे उनकी एज क्या थी? एज वॉज 44 ईयर्स, क्योंकि मिल्टन का जो time duration है 1608 से लेकर के 1674 का टाइम ड्यूरेशन, ये मिल्टन का टाइम ड्यूरेशन है. और इसी टाइम में अगर हम बात करें, जैसे एज 44 की बात कर रहे हैं, तो 844 उनका 1652 में हो जाता है. नंबर सिक्स क्वेश्चन वी हैव डिलीटेड द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड एल पेंसिलेशो और टेकन फ्रॉम, कहाँ से ये टाइटल लिया गया है एल एलिग्रो, एल पेंसिलेसो. एल एलिग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन एंड एल पेंसिलेसो का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड या सैड मैन. एंड टाइटल इसका कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा है, म्यूजिकोलॉजी से ये इसका टाइटल लिया गया है एल एलिग्रो एंड एल पेंसिलेसो का, जो दो कंपेनियन पोएम्स हैं. कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द टू कंपेनियन पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन, तो वहां पे आपको पैराडाइज लॉस और पैराडाइज रीगेन्ड भी दिया होगा, बट जो करेक्ट आंसर हमें टिक करना होगा वो होगा एल एलेग्रो एंड एल पेंसोरेसो. नंबर सेवन क्वेश्चन वी हैव मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज, क्या है मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट जो कि 1671 में पब्लिश हुआ है पैराडाइज रीगेन्ड के साथ में? तो इसका आंसर जो है वो हमारा है ऑप्शन ए, इट वाज अ पोएटिक प्ले दैट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन. ठीक है, मिल्टन का ये वर्क है. नेक्स्ट वन वी हैव नंबर एट, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वायर्स ऑफ इंग्लैंड. बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, इस कोटेशन को जरूर आप माइंड में अपने रखिएगा कि ये कोटेशन किसने बोला है
डिस्क्राइब किया है मिल्टन की जो उनकी राइटिंग स्किल है, कंपोजिंग स्किल है, उनका जो टैलेंट है, पोएटिक टैलेंट है, उसको बहुत ही ब्रिलियंटली डिस्क्राइब किया गया है इस लाइंस के थ्रू. तो दैट वाज सेड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन. टेनिशन द ग्रेट विक्टोरियन रिप्रेजेंटेटिव पोएट, इन्होंने ये लाइंस डेडिकेट की हुई है जॉन मिल्टन के प्रेज में. नंबर 9 क्वेश्चन वी हैव हियर, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम. किस बुक में पैराडाइज लॉस्ट के एडम और ईव फर्स्ट टाइम मिलते हैं, इसका आंसर देना है. ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं. ऑप्शन ए है बुक 4, ऑप्शन बी बुक 2, ऑप्शन सी बुक 3, ऑप्शन डी बुक 1. सो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, दैट इज बुक 4 में पहली बारी दोनों की मुलाकात होती है एडम और ईव की, जो कि पैराडाइज लॉस्ट के ये दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. पैराडाइज लॉस्ट बुक जो है वो 12 बुक्स में डिवाइडेड है और बुक 4 में इन दोनों की फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है, मुलाकात होती है. नंबर 10 इज हु इज द नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट में नेक्स्ट कमांड कौन है, नेक्स्ट इन कमांड सैटर्न के बाद, उसको आपको आंसर देना है उसका. ऑप्शन ए ब्लीसबर्ग, ऑप्शन सी मैमोन, ऑप्शन सी मलोज, ऑप्शन सी बालम. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. ब्लीसबर्ग जो है वो सेकंड नेक्स्ट इन कमांड या सेकंड इन कमांड होता है आफ्टर सैटर्न, और सैटर्न को हम रिगार्ड करते हैं द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, उसको हीरो रिगार्ड करते हैं, और सैटर्न को विलियम जो जॉन मिल्टन है उनको कंपेयर किया जाता है सैटर्न से इस पोएटिक ग्रेट एपिक पोयम में. नेक्स्ट वन वी हैव 11 नंबर, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, whose line is this? किसकी lines ये हैं? The spirit of Lord is upon me. और obviously we are talking about here about John Milton's important and expected MCQs. तो ये जो quotation है, ये जो lines है, ये John Milton ने बोली है, ये अपने लिए बोली है. The spirit of Lord is upon me. Number 11 तक हमने यहाँ पे discuss किया, इसको जरूर आप अपने notes में note down करते चलो friends, या screenshot ले लो. 12th question is, who does Milton name as his heavenly muse? किसको बोला है, इसका आंसर आपको देना है टाइटेनिया, वर्जिल, माइकल या यूरेनिया को. और जो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ही पूछा जा चुका है आपके, और यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, और इस क्वेश्चन को जरूर आप करेक्टली अटेम्प्ट करके आइएगा. एंड द आंसर इज यूरेनिया. यूरेनिया को मिल्टन ने अपने वर्क पैराडाइज लॉस्ट में हेवनली म्यूज रिगार्ड किया हुआ है, उनको एक तरीके से उनकी प्रेयर की हुई है व्हेन ही वाज writing, composing this great epic poem, Paradise Lost. तो एक important characteristics भी होता है कि God या उसकी पूजा करना, heavenly muse की पूजा करना, उनको उसमें कि मैं एक बहुत ही important और बहुत ही magnum opus work लिखने जा रहा हूँ, please help me out in that. तो इस वजह से Milton ने जो name दिया है heavenly muse को, that was Urania. Number 13 is, Milton borrowed the theme for Comus from, कहां से कम्यूज का थीम उन्होंने, जो मास्क इनका वर्क है, कहां से लिया है मिल्टन ने, बोरो किया है. वी हैव द ऑप्शंस हियर, होमर्स ओडिसी, स्पेंसर्स फेरी क्वीन, ऑप्शन सी वर्जिल्स एनियड या होमर के इलियड से. और जो इसका करेक्ट आंसर है, वी हैव द ऑप्शन ए, होमर्स ओडिसी. ठीक है. 14 इज एरियोपेजिटिका हाइलाइट्स. एरियोपेजिटिका जो वर्क है इनका, जॉन मिल्टन का, वो क्या हाइलाइट करता है, किससे रिलेट करता है इसका जो सब्जेक्ट मैटर था एरियोपेजिटिका का. फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ डिवोर्स, फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, या फ्रीडम ऑफ द प्रेस. एंड करेक्ट आंसर जो है हमारा, ये है फ्रीडम ऑफ द प्रेस. ये करेक्ट आंसर है, एरियोपेजिटिका हाइलाइट्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस बाय जॉन मिल्टन. नंबर 15 इज, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटर्न इज कम्पेयर टू. बुक फर्स्ट में सैटर्न को किससे कंपेयर किया गया है, क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड. और बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पैराडाइज लॉस्ट से पूछे जाएंगे जरूर, अगर आप टीजीटी के एग्जाम के लिए जा रहे हो, या पीजीटी के एग्जाम के लिए जा रहे हो, या किसी भी आप एग्जाम के लिए जाओगे जिसमें जॉन मिल्टन एज अ पोएट, एज अ राइटर, ऑथर पूछे जा रहे हैं, तो वहां पे पैराडाइज लॉस्ट ऐसा इंपॉर्टेंट बुक है, वर्क है जॉन मिल्टन का, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे. तो यहाँ पे बोला जा रहा है फर्स्ट बुक में सैटर्न को किससे कंपेयर किया गया है, जायंट, ऑप्शन बी घोस, वैम्पायर या लेवियाथन. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लेवियाथन से जॉन मिल्टन ने सैटर्न को कंपेयर किया है बुक फर्स्ट में ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. 16 इज जॉर्ज हर्बर्ट
Thomas Carew, Robert Herrick, रिचर्ड क्रॉसर, रॉबर्ट लेवलैक, हेनरी वॉगम, एंड्रयू मॉरवेल आर मिल्टन्स. क्या है ये मिल्टन्स के फ्रेंड्स, एनिमीज, कंटेम्पोरीज या नन ऑफ दीज? एंड करेक्ट आंसर है कंटेम्पोरीज. ये इनके इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, कंटेम्पोरीज ऑथर हैं जो इनके टाइम ड्यूरेशन में ही अपने वर्क्स को लिखा करते थे. एंड मोस्टली इसमें से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं, रॉबर्ट कैरियो की बात कर ले, थॉमस कैरियो, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड प्रॉसा, हेनरी वॉगम, एंड्रू मार्बल, दीज ऑल आर मेटाफिजिकल पोएट्स बोले जाते हैं. मेटाफिजिकल पोएट कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं. नंबर 17 वी हैव ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्यूरिटन्स वर इन मेजोरिटी में थे. प्यूरिटन्स का जो यहाँ पे एलिजाबेथन टाइम्स में, एज ऑफ एलिजाबेथन में प्यूरिटन्स की क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, वो मेजोरिटी में थे, माइनॉरिटी थे, नेदर इन मेजोरिटी नॉर इन माइनॉरिटी या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज माइनॉरिटी. ठीक है, क्योंकि प्यूरिटन टाइम पे जो रिलीजन का था, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स का ज्यादा बोलबाला था और प्यूरिटन्स जो थे वो माइनॉरिटीज में थे एट द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. नंबर 18 इज द पीरियड नोन एज मिल्टन्स एज. मिल्टन की एज को किस टाइम ड्यूरेशन के जानते हैं हम, एज ऑफ मिल्टन के नेम से वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन था? 1621 से 1681, 1620 से 1665, 1628 से 1655 या 1625 से 1660? और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, 1625 टू 1660. दिस इज द करेक्ट आंसर. नंबर 19 इज एल एलेग्रो, एल पेंसरोसो एंड लिसिडॉस बिलोंग टू, किस पीरियड से बिलोंग करते हैं मिल्टन के? एंड वी हैव और आंसर हियर दैट इज ऑप्शन ए, कॉटन पीरियड से बिलोंग करते हैं एल एलेग्रो, एल पेंसरोसो एंड लिसिडॉस. एंड नंबर 20 इज मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री इन हिज पोएम. किस पोएम में मिल्टन ने पोएट्री के ऊपर अपने व्यूज को दिया है? आपको उसका आंसर देना है कोम्यूज, Paradise Lost, Lycidas या none of these. और 20 question का जो correct answer है हमारा वो है option number C. Lycidas में उन्होंने poetry के ऊपर अपने views दिए हैं और Lycidas इनका एक एलेजी poem था. ठीक है, अभी इसकी हम बात करेंगे आगे question में. 21 is which epic of Milton is the product of the Reformation and Renaissance? कौन सा एपिक वर्क है मिल्टन का जो कि प्रोडक्ट है रिनेशा एंड रिफॉर्मेशन का? आप रिनेशा एंड रिफॉर्मेशन की जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, यू विल गेट दैट इन द वर्क ऑफ मिल्टन, वो कौन सा ऐसा वर्क है. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो है हमारा ऑप्शन ए, पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है. 22nd क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन हियर, Who wrote the life of Milton? बहुत ही important work है ये, इसको मैं mention कर दे रही हूँ, important work. And आपको इसका answer देना है कि किसने लिखा है life of Milton? ये work है Samuel Johnson, Arnold Hudson या none? And we have the correct answer, option A, Samuel Johnson ने ये important work life of Milton लिखा हुआ है. 23rd we have Paradise Regained consists of, इसकी हमने बार बार बात की है, Paradise Regained में कितने बुक्स में ये डिवाइडेड है Paradise Regained, जो कि 1671 का पब्लिकेशन वर्क है जॉन मिल्टन का. आपको इसका करेक्ट आंसर देना है, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2, 4, 5 और 8 बुक्स. और जो इसका करेक्ट आंसर है उसकी बात कर लेती हूँ मैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 4 बुक्स में ये डिवाइडेड है Paradise Regained. और Paradise Lost आप सभी जानते हो 12 बुक्स में डिवाइडेड है. 24 वी हैव मिल्टन वॉज एन ऑफिशियल सर्वेंट एट द कोर्ट ऑफ, ऑफिशियल सर्वेंट मिल्टन किसके कोर्ट में थे? आपको ऑप्शन में इसका आंसर मिलेगा, ऑलिवर क्रॉमवेल, ऑप्शन बी चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट या किंग आर्थर सेकेंड. एंड जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन ए, ऑलिवर क्रॉमवेल के टाइम ड्यूरेशन में ही वॉज द ऑफिशियल सर्वेंट एट द कोर्ट ऑफ ऑलिवर क्रॉमवेल. 25 वी हैव Who said the style of Paradise Lost is lofty and exalted and show the influence of Latin writers? किसने ये मिल्टन के बारे में बोला है कि जो स्टाइल है पैराडाइज
पैराडाइज लॉस्ट का वो लॉफ्टी है एंड एग्जाल्टेड है, जो कि एक एपिक पोएम का होना चाहिए। और ये बहुत ही ज्यादा, ये वर्क जो है पैराडाइज लॉस्ट, जो मिल्टन का वर्क है, वो इन्फ्लुएंस्ड है लैटिन राइटर से, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और ये पूछा जा रहा है कि ये किसने कहा है, किसका कोटेशन है, या किसने ये मिल्टन के पैराडाइज लॉस से रिलेटेड एक रिमार्क दिया हुआ है। एंड वी हैव लगोइस, ऑप्शन बी मिल्टन, शेक्सपियर और नन। सो करेक्ट आंसर जो होगा, आप देखिए इसमें आपको समझ में भी आ गया होगा कि मिल्टन खुद के बारे में ये बोलेंगे नहीं, एंड नन तो होगा ही नहीं। शेक्सपियर मिल्टन के पैराडाइज लॉस लिखने से पहले ही वो, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन ए, एंड दिस वॉज सेट बाय लगोइस। नंबर 26 इज लिसिडास बाय मिल्टन इज रिटन इन फॉर्म ऑफ। लिसिडास जो वर्क है, एलिजी पोएम है जॉन मिल्टन का, उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखा गया है, तो ये किस फॉर्म में लिखा गया है, रोमांस है, ड्रामा है, पेस्टोरल एलिजी है या नन। अभी मैंने बात की, दिस वॉज एन एलिजी एंड ये है एक पेस्टोरल एलिजी पोएम जो कि कंपोज की है ऑन जॉन मिल्टन ने ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड फेलो पोएट एडवर्ड किंग। 27 क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, विच कॉलेज डिड मिल्टन अटेंड, कौन सा कॉलेज मिल्टन ने अटेंड किया हुआ है। आपको इनके अर्ली लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो क्राइस्ट कॉलेज था, अमेरिकन कॉलेज था, या लंदन कॉलेज, या कैम्ब्रिज कॉलेज, जो स्टार्टिंग में इन्होंने अटेंड किया था, दैट वॉज दी, इनका जो एजुकेशन हुई थी दैट वॉज क्राइस्ट कॉलेज। और इसी कॉलेज में इनको जो बोला जाता था, लेडी ऑफ द क्राइस्ट के नेम से जाना जाता था, बिकॉज ऑफ हिज डेलीकेट नेचर एंड डेलीकेट जो उनका एक फिजिकल, जो एक फिजिकल अपीयरेंस था, उसके वजह से उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता था। ठीक है, ये भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, लेडी ऑफ क्राइस्ट, ये एक उनको नेम दिया गया था जो कि इसी क्राइस्ट कॉलेज में उनको दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज डेलीकेट फिजिकल अपीयरेंस। अब 28 क्वेश्चन की बात कर ले हम, व्हाट इन मी इज डार्क एलिवाइन, व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट, ये किस बुक से लिया गया है, मींस पैराडाइज लॉस्ट का कोटेशन है और किस बुक में ये कोटेशन मेंशन है। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, 28 क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बुक फर्स्ट, ऑप्शन बी बुक थर्ड, सेकेंड बुक थर्ड या बुक फोर्थ, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुक फर्स्ट का ये कोटेशन है, ये रिमार्क है जो कि पैराडाइज लॉस में मेंशन है। नंबर 29, व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट जब थी तो मिल्टन को कौन सी पोस्ट से उन्हें मिली थी, उन्हें कौन सी पोस्ट उनको अपॉइंट किया गया था, लैटिन सेक्रेटरी, प्यूरिटन सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी या नन। और जो करेक्ट आंसर है वो 29 क्वेश्चन का लैटिन सेक्रेटरी। ठीक है, अब नंबर 30 क्वेश्चन की बात कर लें, मिल्टन लिव थ्रू किसके टाइम ड्यूरेशन तक, मीन्स इंग्लैंड में किन किन रूलिंग पीरियड्स तब पे मिल्टन ने लिव्ड किया, मींस उनका जब जन्म हुआ से, जन्म से लेकर के डेथ तक, उनकी बर्थ से डेथ तक कौन कौन से किंग ने रूल ओवर किया था, या कौन कौन सा टाइम ड्यूरेशन था इंग्लैंड में, आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए जो है वो है कैरोलाइन कॉमनवेल्थ एजेस, ऑप्शन बी द कैरोलाइन एंड रेस्टोरेशन, ऑप्शन सी द कैरोलाइन कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एज। तो करेक्ट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ही लिव ड्यूरिंग द थ्रू आउट थ्रू द एजेस ऑफ द कैरोलाइन कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एज, क्योंकि 1660 में रेस्टोरेशन एज का स्टार्टिंग हो चुका था इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लैंड में, और 1674 में मिल्टन की डेथ हुई थी। अब 31 क्वेश्चन है, इन पैराडाइज लॉस्ट विच एंजल इज ऑर्डर्ड बाय गॉड टू ड्राइव एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज, से गॉड के ऑर्डर पे किस एंजल ने एडम और ईव को निकाला था, किसको गॉड ने ऑर्डर दिया था कि इनको दोनों को बाहर करो यहां से, और कौन सा एंजल था वो, माइकल, एजिबल, एबिडल, राफेल या गैब्रियल। और जो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए है माइकल। ठीक है, माइकल वाज द एंजल जिसको गॉड ने ऑर्डर किया था कि ऑर्डर दिया था कि आप एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर करो, बिकॉज दे हैड टेस्टेड द फॉरबिडन फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज, और इसी वजह से उसको
उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, हेवन से या पैराडाइज से. 32 इज हु वाज कंसीडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ रेनेशा. चाइल्ड ऑफ रेनेशा किसे कंसीडर किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड दैट इज ऑप्शन बी, जॉन मिल्टन. एंड करेक्ट आंसर की बात हमने कर ली, चाइल्ड ऑफ रेनेशा वॉज मिल्टन. एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा बोले अगर हम तो दैट वॉज चौसर, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोले तो दैट वॉज जॉन वीकलीफ. नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 33, विच पोएम ऑफ मिल्टन डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन एंड वाइल्डनेस. और ये इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली, बट दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, और दैट इज ऑप्शन बी, पैराडाइज रीगेन. नेक्स्ट वन इज 34, In what book does the fall take place? Means fall from heaven, fall from paradise. किस बुक में take place होता है? Means किस बुक में ये चीजें happen होती हैं? इसका answer देना है आपको. Book 8, book 10, book 7 या book 9 में. And जो correct answer है option C, book 9 में इसका description होता है. Fall from heaven take place in the book 9 of Paradise Lost. नेक्स्ट इज 35 क्वेश्चन, विच डेविल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पैंडेमोनियम. पैंडेमोनियम का कौन सा डेविल जो होता है वो मेन आर्किटेक्ट होता है, आपको इसका आंसर देना है. ऑप्शन ए मेमोन, ऑप्शन ए मोलोच, ऑप्शन ए बेलियल, ऑप्शन डी म्यूसिबर. और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, म्यूसिबर इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पैंडेमोनियम. पैंडेमोनियम इसको बोलते हैं कैपिटल ऑफ हेल. कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, कैपिटल ऑफ हेल किसको बोला जाता है, या आपके क्वेश्चन में ये पूछा होगा व्हाट इज पैंडेमोनियम इन पैराडाइज लॉस्ट, तो आपको कैपिटल ऑफ हेल पे इसको टिक करना होगा, क्योंकि पैंडेमोनियम का जो मतलब होता है कैपिटल ऑफ हेल होता है. इसको इरेक्ट किया था मुलसिबर ने जब सैटन को और अदर्स जो फॉलन एंजल्स थे उनको हेवन से बाहर निकाल दिया गया था गॉड के थ्रू, तो उन्होंने ये कैपिटल ऑफ हेल पैंडेमोनियम जो था इरेक्ट किया था. नंबर 36 इज द एज ऑफ मिल्टन हैड थ्री काइंड्स ऑफ पोएट्स. एज ऑफ मिल्टन में तीन तरीके के पोएट्स हुआ करते थे, थ्री काइंड्स ऑफ पोएट्स. आपको उनका आंसर देना है, रिलीजियस हीरोइक प्यूरिटन, या ऑप्शन बी मेटाफिजिकल कैवेलियर या प्यूरिटन, मेटाफिजिकल रोमांटिक या ड्रामेटिक, कैवेलियर रिलीजियस या क्लासिकल. और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेटाफिजिकल कैवेलियर एंड प्यूरिटन पोएट्स हुआ करते थे एट द टाइम ऑफ मिल्टन या एट द एज ऑफ मिल्टन. जो थ्री काइंड्स ऑफ पोएट्स थे वो मेटाफिजिकल कैवेलियर एंड प्यूरिटन. नेक्स्ट इज नंबर 37, मनोआ एंड डेलिया आर कैरेक्टर इन, किस में इनका कैरेक्टराइजेशन मिलता है मिल्टन के वर्क में, और दैट इज सैमसन एगनिस. ठीक है, इस इंपॉर्टेंट वर्क में इन दोनों का कैरेक्टराइजेशन मिलता है, बिकॉज दिस वॉज अ पोएटिक प्ले बाय जॉन मिल्टन वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर. 38 वी हैव, हु सेड मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन अ पैशनेट टाइम. जब वो थे जॉन बैले, हरीश त्रिवेदी, कैम्प्टन रिकेट या आयर रिचर्ड्स. एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन ए, जॉन बैले. इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेसेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन. मिल्टन की क्वालिटीज को पैराडाइज लॉस्ट में ने किसने पजेस किया, या कौन था जो मिल्टन को रिप्रेजेंट कर रहा, मिल्टन को रिप्रेजेंट कर रहा था पैराडाइज लॉस्ट में, क्राइस्ट, बिलियर, सैटन या ब्लीजबर्ग. और जो करेक्ट आंसर है वो होता है सैटन. ठीक है, सैटन रिप्रेजेंट कर रहा था मिल्टन को इन द वर्क पैराडाइज लॉस्ट, द ग्रेट एपिक पोएम. और कभी कभी कहा जाता है, या मोस्टली ये कहा जाता है, जो क्रिटिक्स हैं उनका ये मानना है कि मिल्टन वॉज वेरी मच काइंड हार्टेड टूवर्ड्स कैरेक्टराइजिंग सैटन. सैटन को जब वो पैराडाइज लॉस्ट में कैरेक्टराइज कर रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से आप कह लो कि बहुत ज्यादा उसका जो झुकाव था मिल्टन का वो सैटन की तरफ था, और वो कहीं ना कहीं बहुत उससे बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड था इस कैरेक्टर से, जो कि पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न को जब मिल्टन ने कैरेक्टराइज किया. नेक्स्ट वन इज नंबर 40 क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कोम्यूज वाज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ, किसके ऑनर में कोम्यूज जो वर्क था द मास्क पोएम वाज प्रेजेंटेड. एंड अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, अर्ल ऑफ सरे,
अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन या नन ऑफ दीज, एंड करेक्ट आंसर इज अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। ये करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए जॉन मिल्टन की लाइफ एंड लिटरेरी करियर से रिलेटेड, उनके इम्पोर्टेंट वर्क से रिलेटेड। आपने जरूर नोट डाउन कर लिया होगा इन क्वेश्चंस को। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस को। और आज ग्रामर के क्वेश्चंस में हम जो डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज होगा, जो कि ये प्रैक्टिस सेट है। जो पहला क्वेश्चन है आर्टिकल से रिलेटेड, आप इसके आंसर को साथ ही साथ देते चलो। आई एंजॉयड रीडिंग डॉट 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 बुक यू हैव यू गेव मी। तो आपको कौन सा आर्टिकल करेक्ट लगता है, कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे इस गैप को फिल करेगा? ये जो हमारा गैप है इस पे, इसको कौन सा आर्टिकल फिल करेगा? आई एंजॉयड रीडिंग एन बुक, अ बुक या दी बुक। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, और जो यहाँ पे आएगा दी बुक, क्योंकि किसी स्पेशल बुक की बात की गई है जो आपने मुझे दी है, मैं उसको पढ़ के बहुत ज्यादा मुझे मजा आया, जो कि बुक आपने मुझे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेट आर्टिकल होगा वो दी होगा। और जरूर इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और बहुत ही अंडररेटेड ये क्वेश्चंस माने जाते हैं। ये जो पार्ट है आर्टिकल का बहुत अंडररेटेड माना जाता है, बट इससे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप सभी के लिए है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी दोनों के पेपर में आपके ग्रामर के क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो ऐसे वन बाय वन हम एक एक पार्ट लेकर के अपने सभी वीडियोस के एंड में ग्रामर का पार्ट जरूर डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर इसको आंसर कीजिए और जरूर वॉच आउट कीजिएगा आगे आने वाले वीडियोस को। नेक्स्ट वन इज ही गेव मी कैप डॉट 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 1000 रुपी नोट। ही गेव मी एन होगा ही नहीं, दी कोई स्पेशलाइजेशन या किसी डिफिनिट आर्टिकल डिफिनिट चीज की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ही गेव मी अ 1000 रुपी नोट्स। नेक्स्ट वन थर्ड इज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन, क्या कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आपका होगा? डिफिनिट आर्टिकल या इनडिफिनिट आर्टिकल? इनडिफिनिट आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल यहाँ पे मैच करेगा, यहाँ पे सुटेबल होगा, उसको आपको बताना है। और जो आंसर है वो है ए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, किसी एक दिन में रोम का निर्माण नहीं हो गया, रोम जो रोम सिटी है उसका निर्माण किसी एक दिन में नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आर्टिकल जो कि इस क्वेश्चन में फिट बैठेगा, इस फिल ब्लैंक्स में फिल करेगा। नंबर फोर इज माय फ्रेंड इज डॉट 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 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। माय फ्रेंड इज ऑप्शन ए बी हमारा करेक्ट होगा, माय फ्रेंड इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। देखिए एन नहीं होगा यहाँ पे, आप यू समझ के एन मत करिएगा, क्योंकि प्रोनंसिएशन देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट लगेगा और ए होगा, कॉन्सोनेंट का ये प्रोनंसिएशन हो रहा है, इसीलिए ए आर्टिकल लगेगा। अगर यहाँ पे हम ऑनर होता तब एन लग सकता था, एच का जो हमें प्रोनंसिएशन वोवेल में होता है दैट वुड जितना वहां पे इंडिफिनिट आर्टिकल में एन लेके आएगा। ठीक है, नंबर फाइव इज इट टेक्स डॉट 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 टू रीच द स्टेशन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप सभी जानते हो यहाँ पे जो होगा करेक्ट ऑप्शन एन होगा, क्योंकि आवर आ रहा है, एच को मत हावर मत समझिएगा, ये आवर होता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होता है, आ ऑनरेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आर्टिकल होगा वो इनडिफिनिट आर्टिकल एन है, क्योंकि प्रोनंसिएशन में ऑनर आवर आ रहा है। ठीक है, आवर जो आ से शुरू हो रहा है, ये वोवल साउंड कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, दैट्स व्हाई जो इस फिल को गैप को फिल करेगा वो हमारा होगा एन आर्टिकल। नंबर सिक्स इज डॉट डॉट यहाँ पे है आगे ही मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ए आएगा एन मैन या ए मैन, दी मैन इज मॉर्टल या नो आर्टिकल्स। और जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल्स आएगा, क्योंकि मैन इज मॉर्टल मीन्स मैन मीन्स पूरी जो होती है ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन रेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, यहाँ कि मैन इज मॉर्टल जो इंसान है। हाँ वो तुम्हारे पियो ना, अभी
यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, इंसान जो होता है वो नश्वर होता है, तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही, पूरी ह्यूमन जाति की या ह्यूमन रेस की बात हो रही है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जरूर, फिर वहां पे ये नहीं है कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप आर्टिकल जरूर फिल करोगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होता बट वहां पे आपको फिल करने के लिए दिया जाता है, तो जो ऑप्शन होगा उसमें नो आर्टिकल या नन ऑफ दीज भी होगा, तो आप वहां पे नन ऑफ दीज या नो आर्टिकल क्लिक करेंगे, ठीक है, या टिक करोगे आप। नंबर 7 इज किरण इज, फिल करना है आपको गैप को, बेस्ट स्टूडेंट इन दी क्लास। तो ये ऑब्वियसली ये सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, बेस्ट जो है ये डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा दी बेस्ट, ठीक है। किरण इज दी बेस्ट स्टूडेंट इन दी क्लास। नंबर 8 इज दिस बुक हैज वन बुक प्राइज। देखिए दिस बुक, यहाँ पे बुक को यहाँ पे क्वालिफाई किया जा रहा है कि ये दिस बुक स्पेशल बुक की बात हो रही हैज वन। ऑप्शन में हमारे ए एंड डी है, तो कौन सा आर्टिकल करेक्ट होगा? ये होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। दी बुक, दिस बुक हैज वन दी बुकर प्राइज। बुकर प्राइज एक स्पेशल प्राइज होता है और इसीलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल डी का यूज होगा। नंबर 9 वी हैव आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल करेक्ट होगा? एंड 9 का जो होगा आई एम फॉन्ड ऑफ एन ए या डी, तो यहाँ पे है मैं क्लासिकल म्यूजिक का शौकीन हूँ, तो कोई मैं एक क्लासिकल म्यूजिक का शौकीन नहीं, या मैं कोई स्पेशलाइज्ड नहीं बोला जा रहा है, मैं क्लासिकल म्यूजिक का शौकीन है हूँ मैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा नो आर्टिकल्स, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा, ठीक है, नो आर्टिकल्स। नंबर 10 इज देयर इज डॉट 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 इंस्टीट्यूशन फॉर, फिर से डॉट डॉट आया, ब्लाइंड इन दी सिटी, तो क्या होगा? यहाँ पे आई आ गया है तो यहाँ पे वॉवेल साउंड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एन आएगा। देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर, यहाँ पे फिर आएगा दी, फॉर दी ब्लाइंड इन दी सिटी, किसके लिए? दी ब्लाइंड मीन्स अंधों के लिए, जो है जो अंधे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं पाते हैं उन सभी के लिए इस शहर में एक इंस्टीट्यूशन है, तो एक एन आया, इंस्टीट्यूशन आया, तो इसीलिए ए ना लग करके एन लगेगा, क्योंकि एन की बात हो रही है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन में वॉवल साउंड ये क्रिएट कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नंबर 11 वी हैव एंड दिस इज द लास्ट आर्टिकल आज के वीडियो का है, आर यू कमिंग टू, फिल करो गैप को, पार्टी नेक्स्ट सैटरडे, तो आपको बताना है कि इस गैप में कौन सा आर्टिकल फिल होगा। आर यू कमिंग टू एंड पार्टी, आ पार्टी, दी पार्टी, और ऑब्वियसली दी आएगा क्योंकि एक डेफिनेट समय पे एक डेफिनेट पार्टी की बात हो रही है और एक डेफिनेट टाइम की बात हो रही है, दैट्स व्हाई आर यू कमिंग टू दी पार्टी नेक्स्ट सैटरडे। जो नेक्स्ट सैटरडे वाली पार्टी होनी है, स्पेशल किस पे स्पेशलाइजेशन दिया जा रहा है, किस पे ज्यादा फोर्स किया जा रहा है, पार्टी पे, तो इसीलिए दी पार्टी होगा यहाँ पे, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल की तरफ, डेफिनेट चीजों की तरफ डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस और साथ ही साथ जॉन मिल्टन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किया, एंड मुझे जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट, हम किसी और इंपॉर्टेंट राइटर को पिक करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, एमसीक्यूज लेके आएंगे, इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट हमारा ग्रामर का भी पार्ट हम उस वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।